प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर, अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। जो ऑलरेडी वक्फ के नाम पर इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे मस्जिद हों, चाहे मदरसे हों, या फिर जो है तो दरगाहें हों, खानकाहें हों, मज़ारें हों, जो लोग यूज़ में कर रहे हैं उसको स्पेयर कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। बाकी ज़मीन पड़ी है उसको सरकार इस्तेमाल कर ले, हम लोगों का कोई विरोध नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अयोध्या की ज़मीन पर उसका हक तो मुसलमानों का ही है, लेकिन सिनोरियो ऐसा है कि हम बड़े भाई को दे रहे हैं, उसने ही मुल्क में हुआ। लेकिन अफसोस रह गया, हम लोगों को अफसोस रह गया कि सुप्रीम कोर्ट एक बग्घा रह गई। हम तो कहते हैं आज 1 लाख लोग मुसलमान जमा हो गए, हम मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ रैली करने वाले, जिसमें सिर्फ एक ही छूट आएंगे तो SC ST एक्ट में इन कमज़ोर तबकों को शामिल किया जाए। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम देश के राजा हैं, हम राजा से कहें कि अगर आप कर दिए हम खुद वोट दिलाएंगे। जब BJP के साथ रहते हैं वो नीतीश बाबू को वोट दिलवा सकते हैं, जबकि इन लोगों ने कभी नहीं दिलवाया। अच्छे दिनों में इनसे काम करवा लेते ये और लाखों लाख करोड़ों का फंड ले लेते, लेकिन वोट के वक्त तो नहीं, घर से निकलते नहीं है। आप राजसभा गए और राजसभा में बहुत सारे लोगों की जो ये महत्वाकांक्षाएं हैं खास करके, या फिर उनकी दबी हुई आवाज़ थी, उसको आपने बहुत मजबूत किया और लोगों को लगा था कि अब हमारा कोई ऐसा रहनुमा वहाँ पहुँचा है जो चीज़ों को लेके बहुत ऊंचाई तक पहुँचाएगा। आपने वो किया भी, जितने दिन तक रहे अपने कर्तव्यों का बहुत बखूबी निर्वहन किया, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उसके बाद आपको दोबारा फिर अप्रोच नहीं की पार्टी, या फिर आपको दोबारा भेजी नहीं? शायद मूल्यों का टकराव होगा, या उसके जो अपने टकराव थी, या फिर लगा इनको जो जनता यूनाइटेड के जो नेता हैं खास करके नीतीश कुमार जी, उनको ये लगा कि नहीं, इनके लाइन पे हम यदि और आगे चलते हैं तो हो सकता है कि जो तथाकथित जो मुस्लिम समाज है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो शायद कट जाएंगे। तो क्या चीज़ें रहीं कि फिर आपको आपके वसूलों के साथ वो कमबैक नहीं किए, और जो व्यक्ति आके आपको घर से उठा के लेके गया वो एकाएक कहा कि नहीं, अब हम पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे हम दोस्ती रखते हैं। देखिए, दरअसल चीज़ क्या था, हमने ये महसूस किया कि जब आप पार्लियामेंट या असेंबली में जाते हैं तो किसी पार्टी से होकर जाते हैं, पार्टी आपके मुंह पर एक बड़ा ताला लगा देती है। अब जो पार्टी बोलेगी वही आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज जो है तो आप बोलिएगा तो फिर आप बाहर हैं। उसी तरह जब महिला आरक्षण आया तो हम तो सपोर्ट करने वाले थे नहीं, हम कहा कि नहीं, इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, पिछड़ों का दलितों का क्या हक बनता है, आप इसको 4 कैटेगरी में बांट दीजिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माने पिछड़े, आप प्लस जनरल का बांट दीजिए 4 कैटेगरी में, अब पास करिए 33% पास कर दीजिए। उस पर जो है तो नीतीश कुमार हमसे कह दिए कि नहीं आप वोट दे दीजिए, हम कहा कि नहीं, हम तो नहीं दे सकते इसलिए कि ये गलत है, हम तो कैटेगराइजेशन चाह रहे हैं, वो नाराज़ हो गए। तो इसका मतलब है कि जो बोल रहे हैं वही बोलिए आप। लेकिन सर, इसमें एक चीज़ और क्लेरिफाई करना चाहेंगे कि नीतीश कुमार ये महिला है जो होल के पक्ष में थे, हाँ, और शरद यादव उसमें कैटेगराइजेशन के जी, तो क्या इन दोनों लोगों में आपसी सामंजस्य नहीं था क्या? तो यही चीज़ तो हम देखा पार्लियामेंट में कि नीतीश कुमार साहब हमको फ़ोन से कहवाए कि आप जो है तो शिवान तिवारी ने हमको फ़ोन किया, वोट दी, बोले कि हमसे नहीं होगा सर, और शरद यादव पक्ष में थे, तो इन लोगों का आपस की लड़ाई ठीक है, लेकिन हम बोल दिया तो गलत हो गया, जबकि हम लोग ही इरिटेट कर रहे थे। तो फिर शरद यादव आपको सपोर्ट क्यों नहीं किए इसमें? आखिर मेरा पीछा ठोके हो, बहुत अच्छा बोले पार्लियामेंट, बहुत अच्छा बोले हो, ये पार्लियामेंट में बोले आप सेंट्रल हॉल में, हमको तो बाहर कर दिया था लोगों ने, एक्सपेल कर दिया गया, हमको दरअसल एक्सपेल किया गया, और उसका माफ़ी मांग के अंदर आने का, हमको हम नहीं मांग, 6 MP मांग लिया माफ़ी, हम कहा हम नहीं मांग सकते, मांगने का मतलब है कि जितनी दलील आज तक दिए हुए हमें सब गलत था, हम वैसे मांग लें जाइए ठीक है, हाउस नहीं रहेगा मतलब कहें दरअसल हम वो एक्सपेल रहे। अच्छा, एक्सपेल आपको किया गया उस मुद्दे पर? हाँ, मतलब आपने पार्लियामेंट की जो सदस्यता थी जिसके लिए लोग तमाम हुक रुक करके पहुँचते हैं, आपने अपने वजूदों से टकराने
का आपने नहीं टकराने की एवज में आपने उसको गंवाया। हाँ, ये कहा जाए, बाकी एक्सपेल किए गए। हाँ, एक्सपेल किए गए। हमको दोबारा माफी करे, कहा आप आइए। हम कहा नहीं, माफी तो नहीं मांगे, अब हमसे टीवी पर ही बुलाया, बड़ी कुर्बानी है। हाँ, दमका नहीं माफी, हम कह दिया कि जो दलील दलील देखी थे ना, तीन चार दिन तक तो दलील चलता रहा ना, उसी वजह से पार्लियामेंट लोकसभा में बिल आने से रुक गया, रुका, क्योंकि दलील इतना तगा दिया ना, तो हम तो समाज को लेकर दलील देते। उस पर हम नीतीश कुमार के खिलाफ बोला कि 12 साल पहले आपने नोट ऑफ डिसेंट दिया था, इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए, आज आप कह रहे हैं पूरे मुसलमान को मिलना चाहिए। कैसी लीडरशिप है आपकी? हम इन्हीं की लीडरशिप को चैलेंज करते हैं, कैसी लीडरशिप है? लीडर अपना बदलता नहीं, अभी पॉलिसी नहीं बदलता है, अब पॉलिसी बदल रहे तो कैसी लीडरशिप है? और उस वक्त लालू यादव ट्राई यादव करके थे, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव, तीन दो आदमी अपना झंडा ले घूम रहे थे, लेकिन ये लोग प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, लेकिन हम लोग नहीं मिलने देते। चक्कर ये है, हम लोगों से मिलने देते तो फिर हम लोग तो अड़ जाते, अभी तो अंदर में क्या समझौता किया पता नहीं। हो सकता है कि यदि आप लोग मिले होते तो हो सकता है कि डिवीजन हो जाता उसमें, हम लोग समझाते, लेकिन इन लोगों को तो बताया ना कि लोग तो अपना देखते हैं पॉलिटिकली। महिला आरक्षण वाले बिल को लेकर काफ़ी चर्चा रही और आपके साथ तो ये कुछ ज़्यादा ही घर कर गया, जुड़ गया, क्योंकि उसी वजह से आपको संसद से बाहर निकाला गया, एक्सपेल्ड किया गया जी। बच्चे को एक्सपेल्ड किया जाता है क्लास से, और उसी तरीके से मुझे लगता है कि संसद भी एक देश की बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के जो सदस्य होते हैं उन लोगों के साथ भी कुछ ऐसे ही नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से बच्चे कान पकड़ के और माफ़ी मांग लेते हैं, कई बार उनको मुर्गा बना दिया जाता है और फिर वो अपने ट्रैक पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ऐसे अड़ियल जिनके साथ अन्याय किया करता है टीचर और उसका विरोध करते हैं, और जाके भले दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं या बाहर एकलव्य जैसे पटरी पर बैठ के पढ़ लेते हैं और अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बन जाते हैं। मुझे लगता है कि आप उसके एक बहुत बड़े जीते जागते उदाहरण हैं आधुनिक युग के, कि पार्लियामेंट में आपको बोलने से रोक दिया और आप अपने उसूलों के साथ खड़े रहे, आपके एक्सपेल्ड कर दिया गया और लोग कहते रहे कि आप माफ़ी मांग लीजिए और सदन में आ जाइए, आपके साथ और कितने लोगों को एक्सपेल्ड किया गया था और ये क्या स्थिति थी? क्योंकि आपने माफ़ी में नहीं मांगी इसलिए आप एक्सपेल्डेड एमपी हैं, और ये एक्सपेल्डेड एमपी होना अपने आप में बहुत गर्व की बात होती है कि जिस पार्लियामेंट पहुंचने के लिए, जिस सदन की सदस्यता लेने के लिए लोग मतलब क्या से क्या कर देते हैं, मतलब निकृष्टता की हद पार करते हैं, उत्कृष्टता की हद पार करते हैं, तो आप इन तमाम सारी चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं, और आपके लिए मुझे लगता है कि जो भी दर्शक आपको देखेगा सुनेगा उसके दिल में और ज़्यादा आपके प्रति आदर बढ़ेगा। और मुझे लगता है देखिए, दरअसल महिला आरक्षण बिल जो है ना वो राज्यसभा में आया था और यहाँ से पास होने के बाद फिर दो दिन के बाद लोकसभा में उसको आना था, तो महिला आरक्षण के विरोध में हम लोग थे, 7 एमपी हम लोग वेल में आ गए थे, जिसमें 3 समाजवादी के थे, 1 लोजपा के थे और 1 सुभाष यादव आरजेडी के थे, हम जदयू से थे, ये चीज़ था। तो हुआ उसके बाद हम लोगों को एक्सपेल किया गया, वहाँ से निकाल बाहर किया, बाद हफ्ते ऑर्डर आया कि इन लोगों को एक्सपेल किया जाता हाउस से, तो हम लोग एक्सपेल आउट हो गए। लेकिन उसमें जो 6 एमपी थे उनके पास कोई ज़बान नहीं थी बोलने की, हम बाहर जब हाउस से आए तो हमको लोग घेरा, क्योंकि जितनी दलीलें सब हमको देना जो देना था वो हम ही दे रहे थे, दूसरे को तो समझ में आती नहीं थी, वो तो सिर्फ उठाए हुए थे, विरोध कर रहे थे और बिल को देख रहे थे, अपना बिल फाड़ने वाले में हम थे। हमको तो चेयरमैन ने कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या कर रहे हैं आप, जब हम बिल फाड़ लेते तो कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो ये हुआ, जब उससे बिल जब हम पार्लियामेंट से बाहर आए तो हमने देखा कि महिलाओं का उधर से जुलूस चला आ रहा, राजीव चौक की तरफ से पार्लियामेंट गेट पर आया और हम भी इधर से गेट की तरफ बाहर निकल रहे थे, तो लोग तो डंटा उंटा लेके आई हुई थी, लगता है कि पिटाई करने आई थी अगर उनका गेट खुल जाता तो। कौन महिलाएं थी उसको लीड कर रही थी, जो राज्यसभा सदस्य थी उस वक्त, वृंदा करा साहब आती। अच्छा, कम्युनिस्ट पार्टी की बड़ी। हाँ, तो वो लीड कर रही थी उसको, वो लीड कर रही थी और जुलूस लेके आई थी पार्लियामेंट के गेट पर तक आई थी, जबकि गेट पाने की इजाजत नहीं है लोगों को, लेकिन आई है अपना, वो तो उस वक्त अपना चल रहा था। आपको लग गया था कि हो सकता है कि महिलाएं हमें इस क्रांति। हाँ, अगर 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 इस तरह का, एक तो पीछे से मेरी महिला खड़ी थी, वो हमको गाली गलौज कर रही थी। वो कौन सी पार्टी की थी? किसी पार्टी की नहीं थी, वो सिविल सोसाइटी से थी, किसी थी, उसका नाम हम भूल रहे हैं।
उसका तस्वीर मेरे साथ आया था, एक्सरे में किसी ने खींच लिया था कि औरत ने डॉक्टर एजाज को बेइज्जत कर दिया, ये तस्वीर आई थी। अरुणा राय सिविल सोसाइटी की रही है, वो पूर्व आईएएस रही है। और कौन जयंती लेडी, कौन जयंती नटराजन जो कांग्रेस की, वो तो कांग्रेस ही थी। ये सब लोग विरोध में थे मेरे, बता देना आप। जयंती नटराजन तो हमको हाउस में कहा कि जाइए बाहर, आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। फिर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि आप लोग बदमाश एमपी हैं, आप लोगों की एंट्री नहीं हो सकती हाउस में। मतलब जनता के लिए लड़े वो बदमाश, बदमाश एमपी, बदमाश बोलेगा आप लोग, इतने बदमाशी हैं कि आप लोग हाउस से एक्सपेल कर दिया गया, ये बोला। मतलब तो नोटिस आई थी। फिर हम लोगों से बाहर में हम दलील दिया, हमारी दलील के वजह से लोकसभा में बिल नहीं आया, दो दिन के बाद आना था उसको। हालांकि हम लोग को निकाल के मारपीट करके तो बंद ही कर दिया उसको, फिर पास तो राज्यसभा से कर ही दिया उन लोगों ने। अब पास करवाने में ये थे, जाबिर हुसैन भी थे जो आरजेडी के, अली अनवर साहब जदयू थे जो लोग सपोर्ट में खड़े थे, उसके बाद वो था क्या नाम है वो आरएलडी से आए थे, वो जमीतुल हिंद के मौलाना मदनी, महमूद मदनी था, वो सब सपोर्ट में थे उसका। हाउस बाहर आ गए हम लोग सात एमपी, जिसमें कहा कि आप लोग माफ़ी मांग के अंदर चले। हम कहा कि माफ़ी तो हम नहीं मांग सकते, इसलिए कि माफ़ी मांगने का मतलब, माफ़ी तो सरकार को मांगनी चाहिए 80% जनता से, जिसको धोखे में रख के ये बिल लाना चाहती है। आखिर उनको हक क्यों नहीं देना चाहती? महिला तो अगर देह घर की मालकिन होती है तो घर में दाए मामा भी मालकिन लेडी ही होती है, दोनों का हक बराबर कैसे हो जाएगा? अगर आप मेन स्ट्रीम लाना चाहते हैं दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा, ये हमारी दलील हुआ करती थी। ऐसी दलील के वजह से रुका। लेकिन हमसे कहिए कि आप माफ़ी मांग के पार्लियामेंट में फिर आ जाइए, वो तो हम नहीं करने वाले थे, इसलिए सारी दलील हमारी गलत साबित हो जाती। तो हमने देखा कि नहीं, ये इंसाफ की बात है, हम हाउस से बाहर कर दिए गए तो कर दिए गए तो कर दिए गए, लेकिन हम अपने पॉलिसी पे झुके नहीं। यही वजह है कि महिला आरक्षण बिल रुक गया उस वक्त, और सोनिया गांधी नाराज़ हो गई इस पर, लालू यादव और शरद यादव इस पर नाराज़ हो गई कि आप लोग वैसे मेरा बिल नहीं पास हुआ। लालू यादव को डांटी ना हाउस में, सेंट्रल हॉल में जाकर, वो समझ रही थी कि डॉक्टर एजाज कर रहा है, टोपी पहने हुआ, इसका मतलब लालू का आदमी है, इसलिए लालू यादव बिगड़ गए। इन लोगों को तो लालू यादव, शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को तो कुछ करना नहीं था, खाली झंडा ले घूमते थे, बाकी तो एक्टिविटी तो हम लोग कर रहे थे, दलील सारी हम दे रहे थे। हम देखा कि नहीं, इस वक्त हम समझौता तो इनसे नहीं कर सकते, हम हाउस से बाहर हो जाएंगे, हो जाएंगे, कर दिया लोगों ने, कर दिया तो कर दिया, आज तक हाउस से बाहर है। मैं वो तो अगर इस महिला आरक्षण बिल पर अगर होता और हम किसी पार्टी से रहते, हम तो विरोध कर देते उसी वक्त, अकेले भील में चले जाते कि नहीं इसको नहीं, बंटवारा होना चाहिए, सोशल जस्टिस यही है। मेरा तो यही कहना था ना कि 33% आप दीजिए आरक्षण महिलाओं, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन इसका कैटेगराइजेशन कीजिए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस प्लस जनरल क्लास, इसमें कर दीजिए आप। तो लोग कह रहे थे कि नहीं पहले पास होने दिए उसके बाद कैटेगराइज। हम कहा कि पास होने के बाद तो नहीं होता है, ये 1950 के 10 अगस्त को बंदिश लगा दिया गया, 1950 में तो पास हो गया था महिला ये दलित आरक्षण, उसका जो बंदिश 10 अगस्त को लगा तो उसमें दलित मुसलमान को शामिल आज तक नहीं किया गया। तो हम कैसे सरकार में, यही सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार ही थी ना जो आज तक इनको बाहर रखा इस कैटेगरी से, हम कैसे मान लेंगे कल आप इसमें कैटेगराइजेशन कर दीजिएगा? वो भरोसा तो नहीं कर सकते आप, आप कैटेगराइजेशन कर दीजिए, उसको पास कर दीजिए, ये क्या नुकसान है आपको इसमें? लगता है कि जनता की आँख बहुत ज़्यादा खुलेगी, खुली खुली रह जाएगी। आप एक्स एमपी लिखे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन टाइप का हो गया है, सिंपली लोग यही समझ लेते हैं कि अच्छा अच्छा एक बार चले गए होंगे किसी तरीके से और फिर दोबारा नहीं गए। मुझे लगता है कि बागी हमेशा जानकारी रहा है। और यदि आप एक्सपेल्ड एमपी यदि लिखते हैं और तो लोग सर्च करेंगे ना कि भाई एक्सपेल्ड क्यों किया गया था, तो जिस रीजन पे आपको एक्सपेल्ड किया गया था वो आपके कद को और कई गुना आगे बढ़ा देगा। नहीं ठीक है, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं सर? क्या आप, नहीं आपका कहना सही है, तो एमपी आते हैं, आपने एक्सपेल्ड क्यों नहीं लिखा? आप क्यों बाकियों जैसे रास्ते ढर्रे पे चलते रहे? आप बाकी एक्स लिख दिया तो आप भी एक्स लिख, जबकि आपको सच्चे अर्थ में देखा है तो एक्सपेल्ड किया गया। एक्सपेल्ड एमपी सही है, हम आप लिखेंगे तो एक्सपेल्ड एमपी लिख, ताकि लोग जाने कि आखिर क्यों एक्सपेल्ड किया। आप बताइए संसदीय इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि एमपी को एक्सपेल्ड किया गया हो, माफ़ी नहीं मांगा? आमतौर पर ऐसा होता नहीं, लोग माफ़ी मांग के चले जाते हैं। बताइए तो आप पहले व्यक्ति हैं। तो हमको तो बदमाश एमपी कहा भी जाता है। तो बदमाश एमपी तो खैर मैं बदमाश तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक्सपेल्ड एमपी हैं तो एक्सपेल्ड एक सम्मानजनक भी होता है, जो कि तमाम सारे इदारों से इसको स्वीकृति मिली। हाँ एक्सपेल्ड एमपी सही बताया। मुझे लगता है कि एक्सपेल्ड एमपी आप लिखे हैं तो आप तमाम सारे ऐतिहासिक जो आप बहस किए हैं, ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, तो ऐतिहासिक
एक आपका जो पद है खास करके एक्सपर्ट एमपी, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नहीं सही है। एक्सपर्ट एमपी लिखना चाहिए, सही बात, अच्छा है आपने ये सजेशन दिया, बहुत अच्छा है, कोशिश करेंगे एक्सपेल्ड एमपी लिखें। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक्सपेल्ड किया गया है, पता चले जनता को, आप जिसके प्रतिनिधित्व करने गए थे वहाँ पे, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं आज भी, आपके लिए किसी सदन की सदस्यता इम्पोर्टेंट नहीं है, आप जो काम पहले कर रहे थे वो काम आज भी कर रहे हैं, तो आप जनता को पता चले ना कि जनता के लिए आपको एक्सपेल्ड किया गया और जनता के मुद्दों के साथ आप इतना तटस्थता से खड़ा रहे कि आप माफ़ी नहीं मांगे। सही बात है, तो ये जनता के बीच एक और पॉजिटिव मैसेज जाएगा मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है, सही माने में तो यही है, एक्स एमपी तो बहुत सारे होते हैं, जो नहीं रहे सब जो रिटायर गए तो एक्स एमपी होते हैं, हम तो एक्सपेल किए गए, वक्त से पहले निकाल दिए गए हम, सही बात है।